नागरिकता संशोधन विधेयक को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है और उच्च सदन में इस बिल के पक्ष में 125 वोट पड़े जबकि 105 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। बिल पर वोटिंग से पहले इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए भी मतदान हुआ लेकिन यह प्रस्ताव गिर गया। सिलेक्ट कमेटी में भेजने के पक्ष में महज 99 वोट ही पड़े जबकि 124 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट दिया। इसके अलावा संशोधन के 14 प्रस्तावों को भी सदन ने बहुमत से नामंजूर कर दिया और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बिल एक्ट में तब्दील हो जाएगा। तो इस बिल को सोमवार रात को लोकसभा से मंजूरी मिली थी। चर्चा के दौरान अमित शाह ने राज्यसभा में क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। जो बिल लेकर आया हूं वो किसी की भावना हर्ट करने के लिए नहीं, किसी भी धर्म समुदाय के लोगों को दुखी करने के लिए नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये जो लोग चिंता कर रहे हैं कि माइनॉरिटी का इस देश के माइनॉरिटी की और मुसलमानों के साथ अन्याय होगा, ये नहीं अन्याय होगा। ये सीएबी का जो बिल है इस देश के मुसलमानों की नागरिकता को किसी भी दृष्टि से हर्ट नहीं करेगा। ये नागरिकता देने का बिल है, नागरिकता लेने का बिल नहीं। पाकिस्तान के अंदर सिख और हिंदू लड़कियों का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन करा गए, 2014 की एक रिपोर्ट बताती है। क्या मैं पाकिस्तान बोलूं उसमें इनको गुस्सा क्यों आता है? मेरी समझ में नहीं आता। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं भैया, आप क्यों गुस्से हो रहे हो? यूएनएचआरसी की रिपोर्ट ने 2014 का 428 हिंदू पूजा स्थलों में से केवल 20 बच गए, 20 बच गए। मान्यवर, ईसाई धर्म की बेटी आसिया बीबी का मामला जग विख्यात है। मान्यवर, 47 में जो 23% वहां पर रिलीजियस माइनॉरिटी थी अब 3.7% रह गई। मेरी कई बार समझ में नहीं आता, मैं कांग्रेस के नेताओं का बयान सुनता हूं, शायद कोइंसिडेंट ही होगा, कोई इरादे में कमी नहीं होगी, परंतु कांग्रेस के नेताओं के बयान और पाकिस्तान के नेताओं के बयान कई बार भूल मिल जाते हैं। कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो बयान दिया है और आज जो इस सदन में बयान दिए है वो एक समान है, एक समान है। के लिए जो बयान दिए गए एयर स्ट्राइक के लिए वो और कांग्रेस के नेताओं के बयान एक समान है। सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त जो बयान दिए गए कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से और पाकिस्तान के नेताओं के माध्यम के एक समान है। 370 पर पाकिस्तान के नेताओं ने जो बयान दिए और उसको यूएन में कांग्रेस के नेताओं के बयान को यूएन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कोट किया वो भी एक समान है। माननीय, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लिए भी कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान देख लीजिए और आज के कांग्रेस के नेताओं के बयान देख लीजिए, दोनों एक समान। कांग्रेस जो करेगी वो तो सारा सेक्युलरिज्म है, सहारा सेक्युलरिज्म, जो करो वो कोई भी आपत्ति नहीं है। कब तक मूर्ख बनाओगे माइनॉरिटी को? मान्यवर, ये कह रहे थे कपिल सिब्बल साहब के आपसे कोई नहीं डरता मुसलमान, मैं तो नहीं चाहता डरे, आपके ही लोग कहते हैं डर है डर है डर है। मैं कभी नहीं कहता कि डरो, डरना भी नहीं चाहिए। इस देश के गृह मंत्री पर सबका भरोसा ना होना चाहिए और मैं कहता हूं माइनॉरिटी को जरा भी चिंता मत करो। और इस बिल के लिए भी मान्यवर, इस बिल के लिए भी कहता हूं कि ये बिल भारत में रहने वाले किसी भी माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को जरा भी नुकसान करने वाला नहीं है।